नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट में एलडीसी भर्ती का वेट कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है और जल्द ही राजस्थान के हाई कोर्ट में एलडीसी की भर्ती की जाएगी। खबर पर चलने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी का आइकन है उसे भी आप जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको राजस्थान से जुड़ी प्रत्येक भर्ती की खबर टाइम टू टाइम आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आज का दैनिक भास्कर की न्यूज़ है और आज यह न्यूज़ प्रकाशित हुई है कि लोअर कोर्ट में 782 पद खाली, जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। इस न्यूज़ को हम पूरी देख लेते हैं कि प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में इस साल आपके आंसू लिपिक और कनिष्ठ लिपिक की भर्ती हो सकती है। विधानसभा में विधायक निर्मल कुमावत की ओर उठाए गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह कहा है कि वर्तमान में यहाँ 1152 अधीनस्थ न्यायालय हैं, इनमें से इन संवर्गों के 782 पद आपके खाली पड़े हैं और अधीनस्थ न्यायालयों में इन स्टेनोग्राफर और लिपिक के 4571 पद स्वीकृत हैं। इसमें आपके स्टेनोग्राफर तृतीय हिंदी के 771, स्टेनोग्राफर तृतीय अंग्रेजी के 54 और लिपिक ग्रेड द्वितीय के 4046 पद शामिल हैं। इनमें से स्टेनोग्राफर तृतीय हिंदी के 140, स्टेनोग्राफर तृतीय अंग्रेजी के 47 और लिपिक ग्रेड द्वितीय के आपके 595 पद खाली हैं। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इन खाली पदों पर इस साल उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों, आपके राजस्थान अधीनस्थ न्यायालयों में आपके जल्द ही एलडीसी व स्टेनोग्राफर दोनों के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।